विषमता भगवान के ऊपर मत लादना कि एक को पशु बना दिया एक को मनुष्य बना दिया मनुष्यों में भी एक को सुंदर एक को कुरूप एक को ब्राह्मण एक को क्षत्रिय सबको अलग अलग ढंग का क्यों बनाया सब एक सा बनाते जैसे सृष्टि के प्रलय के समय लोगों की स्थिति थी वैसे ही बनाया है अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं किया न कर्मा विभागा चेन न अनादित्वात् ब्रह्म सूत्र दो एक पैतीस वेदों में एक मंत्र है बड़ा भ्रामक एश एव साधु कर्म कारयति तम और एश एव असाधु कर्म कारयति तम कौशिक की उपनिषद तीसरे अध्याय का नौवां मंत्र कि भगवान ही अच्छा कर्म कराते हैं जिसको ऊपर उठाना होता है उससे और जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म कराते हैं पाप कराते हैं हा? आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण सबही चावत राम गोसाई हा गीता कैतीन ईश्वरासर्वूताना हृद्देशे उर्जुन चीषती भ्रमय सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया अंदर बैठ कर भगवान घुमाते हैं जैसा वैसे ही मनुष्य घूम रहा है बेचारा कबीर दास ने कहा जो करे सो हर करे हो कबीर कबीर ओ सोई जो राम चिराखा सब रच रखा है राम ने पहले से वैसे हो रहा है हम क्या करें अब तो आजादी हो गई खूब पाप किए जाओ और कह दो कि राम ने रच रखा है पहले से कि तुम बेटा संसार में जाके पाप ही पाप करोगे ऐसा नहीं है तु तछ्रुते है ये ब्रह्म सूत्र है दो तीन चालीस लेकिन कृत प्रयत्नापेक्ष विहित प्रतिशिधा बैर्थ्यादि दो तीन इकतालीस ब्रह्म सूत्र ये कहता है, है भगवान कर्म कराते नहीं ऐसा कहा जाता है कराते हैं दो प्रकार का करता होता है भगवान प्रयोजक करता है और जीव प्रयोज्य करता है यानी भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं लेकिन क्या कर्म करे ये जीव पर छोड़ देते हैं स्वतंत्र क्रियमाण वही कृतो भगवता विदा कर्म करने में जीव स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र है कैसे देखो वृष्टि होती है पानी बरसता है ना क्यों जी यहां तो पहले ये पेड़ नहीं थे कहां से आ गए तो अब तुम बरसात आ गई है पानी बरसा तो ये सब पेड़ से पैदा हो गए पानी बरसने से हुआ तो क्यों जी ये जो पानी बरसता है इससे पेड़ पैदा हो जाते हैं पहाड़ों पर बिना लगाए तो ये कैसा पानी है कि कहीं बबूल का पेड़ होता है कोई आम का पेड़ होता है कोई फल बढ़िया वाला कोई खराब वाला एक पेड़ ऐसा भी होता है उसको बिच्छू पेड़ कहते हैं एक बार हम रानी खेत में थे और यहां से प्रकाशानंद गए अपना कैमरा लेके नया नया उनका शानदार कैमरा था तो हमको कहीं यहाँ खड़ा करें कहीं वहां खड़ा करें एक वो बिच्छू घास थी बहुत सारी वहां कहें यहां खड़े हो जाइए खड़े हो गए हम ऐसे बनजाइन पहने हुए ऐसे हाथ करके ऐसे हाथ कीजिए ऐसे हाथ किया वो घास जो लगी हमारे तो जैसे बिच्छू डंक मारता है ऐसे दर्द होता है उस घास से ऐसा पेड़ उसका नाम रख दिया है बिच्छू घास पानी कैसा है जो ऐसे ऐसे अलग प्रकार के वृक्ष पैदा करता है हा पानी कारण है लेकिन केवल पानी कारण नहीं है बीज सब अलग अलग होते हैं पानी तो एक सा बरसता है सब जगह लेकिन जैसा बीज है वैसा पेड़ पैदा होता है अच्छा गधे की अकल से समझिए ये बिजली आपको पावर हाउस ने दे दी है अब इस बिजली का क्या उपयोग कीजिए ये आप पर निर्भर है एसी लगवाइए पंखा लगवाइए या गरम कीजिए कमरा और नहीं तो आत्महत्या करने की इच्छा हो, हो तो नंगा तार पकड़ लीजिए ये सब आपके ऊपर निर्भर है ये बिजली वाला बिजली ना दिए होता तो हमारा बेटा न मरता बेटा आत्महत्या कर रहा है वो हाई स्कूल में फेल हो गया है बिजली वाला क्या करे नदी बह रही है एक आदमी नहाता है एक आदमी डूब मरता है उसमें उसका उपयोग हमारे हाथ में है तो भगवान हमको का नाक मुंह, मन, बुद्धि सब में कर्म करने की शक्ति देते हैं हम क्या कर्म करें यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा समझ बूझ कर सही काम करें तो सही फल मिलेगा पुण्य पुन्ने न पुण्यम लोकम पापे न पापम उभा में मनुष्य लोकम प्रश्नोपनिषद तीन सात अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा ये कर्म करने का अधिकार हमको है जीव को है ये प्रयोज्य करता है इसलिए ये दोष न लगाइए कि अलग अलग क्यों भगवान ने भगवान ने कुछ नहीं बनाया भगवान ने तो जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा टेस्ट मैच पांच दिन का होता है आज खेल के अंत में जो आउट हो गया जो खेल रहा है जो जहां खड़ा है कल जब खेल शुरू होगा तो वही आज के आखिर वाली स्थिति से शुरू होगा जो आउट आज हो चुका है वो आउट कल भी रहेगा आज किसी ने अट्ठानबे रन बनाया है तो कल वो 99 नाइन वाला बनाएगा ऐसे ही महाप्रलय के समान जो जीवों की अवस्था थी उसी अवस्था में जीवों को खड़ा कर दिया भगवान ने अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं किया ना दत्ते पापम न कश्य सुकृतम विभु भगवान कुछ नहीं करते वो तो फल देते हैं आप जो करेंगे उसे वो फल देंगे जो जस करई सो तस फल चाखा स्वकर्म फल बुमान